जब भी हमें फलाहारी खाना होता है तो हम साबुदाना बनाते हैं, सावा का चावल बनाते हैं, कुट्टू है, सिंघाड़ा है। तो आज हम ट्राई करते हैं कीनवा का पोहा। वेलकम टू माय चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। किनवा बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें हाई फाइबर है, ग्लूटेन फ्री है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, और साथ ही साथ अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये किनवा पोहा आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान है। हमने लिया है यहाँ पर आधा कप किनवा, और ठीक जैसे चावल बनाते हैं उसी तरह बनाइए। किनवा को अच्छी तरह धो लीजिए 5-6 पानी से, और धोने के बाद हम इसमें किनवा का डबल पानी डालेंगे। हम चावल में भी डबल पानी डालते हैं। तो हमने किनवा लिया, इसमें आधा कप लिया था, तो हमने आधा आधा कप करके दो बार इसमें पानी डाला। और अब इसे गैस पे चढ़ा देंगे। शुरू में गैस तेज रखेंगे जिससे पानी में उबाल आ जाए, और पानी में उबाल आते के साथ हम गैस स्लो कर देंगे। इसे उबालने में कम से कम 10 मिनट के करीब लग जाएगा, और तब तक चलिए हम छौंकन के लिए देख लें कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमने लिया है जीरा, करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती। 5 मिनट के करीब हो चुका है, हम देखें किनवा कहाँ तक उबला है। किनवा जब उबलता है तो उसमें एक हल्का सा धागा निकल जाता है। ये देखिए किनवा में हल्का सा धागा निकलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी ये कच्चा है, पूरी अच्छी तरह पका नहीं है, तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। और ये करीब 12 मिनट हो चुके हैं, देखिए किनवा अच्छी तरह पक चुका है, और किनवा में हर किनवा में एक धागे की तरह निकल गया है। किनवा उबल चुका है, अब हम बनाते हैं पोहा। तो एक पैन लीजिए, पैन में आप घी डालिए या तेल डालिए, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप व्रत का कर रहे हैं तो राइस ब्रांड ना हो, या आप ग्राउंडनट ऑयल लीजिए। और गैस हमने जला दी, और अब हम डालते हैं इसमें छौंकने का सामान जो हम व्रत में खाते हैं। हमने इसमें डाला जीरा, अदरक, हरी मिर्च और जब ये थोड़ा हो गया तब उसमें डाल दिया हमने करी पत्ता। और अब हम इसमें डालेंगे बॉयल पोटैटोज, उबला हुआ आलू। आप उबले आलू के साथ ही साथ इसमें बीन्स डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, हरी मटर डाल सकते हैं, लेकिन आज चूंकि हम व्रत का बना रहे हैं इसलिए हमने बाकी सब्जियां नहीं डाली हैं। आलू थोड़ा भुन जाए, आलू भुन चुका है, अब उसमें हम मिला देंगे किनवा, ठीक उसी तरह जैसे हम चूड़ा बनाते हैं, चूड़े का पोहा बनाते हैं उसी तरह बनता है, बस चूड़े की जगह हमने यहाँ पर किनवा डाला है। चूड़े का पोहा हम व्रत में नहीं खाते क्योंकि अनाज होता है, जबकि हम किनवा का पोहा आराम से व्रत में खा सकते हैं। और अब इसमें डाला हमने मूंगफली का पाउडर। पाउडर पूरा पाउडर नहीं है, काफ़ी ये थोड़ा बहुत उसमें दरदरापन है, वैसा मूंगफली का पाउडर डालिए। ये हमने रोस्टेड मूंगफली का पाउडर डाला, और अब हमने डाला नमक, जो कि सेंधा नमक है जो कि हम व्रत में खाते हैं। अच्छी तरह जब मिल जाए तो इसमें आप थोड़ी हरी धनिया डाल दीजिए, और साथ में डालिए नींबू का रस। आप आधा नींबू या एक नींबू अपने स्वाद के अनुसार नींबू का रस डाल सकते हैं। और ये तैयार है आपका किनवा का पोहा, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ये हमारे चैनल का दूसरा भाग है जहाँ हम ये देखते हैं कि फूड को किस तरह से अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट किया जाए। तो हमने किनवा, चूंकि व्हाइट है, हमने आज हल्दी नहीं डाला है क्योंकि एकादशी में हल्दी नहीं डालते, हमने हरे रंग का पॉट लिया है जिससे उसमें सफ़ेद अच्छी तरह उभर कर आए, और ऊपर से इसमें डालेंगे मूँगफली का दाने और कुछ पीसेस, कुछ टुकड़े किए हुए, कुछ पाउडर और कुछ साबुत पीसेस, और इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ये फलाहारी भी होता है, न्यूट्रिशियस हो जाता है, और साथ ही साथ देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और सर्व करने के पहले हरी धनिया दोबारा डाल दीजिए, और ये है आपका पोहा जो कि किनवा से बना हुआ है, बहुत ही हेल्दी है। और अब हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा वेयर प्रेजेंटेशन, वो बड़ा ही यूनिक प्रेजेंटेशन है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और हम देखते हैं प्रेजेंटेशन नंबर दो। इसमें हमने एक स्क्वायर मोल्ड लिया है और उसके अंदर हम किनवा को भर देंगे।
किनवा को हमने भर दिया और अब हम इसे प्रेस कर देते हैं जिससे ये स्क्वायर का फॉर्म अच्छी तरह ले ले। और इसके ऊपर हम डालेंगे एक लेयर कोकोनट, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट की, फिर हम इसे प्रेस कर देंगे जिससे अच्छी तरह सेट हो जाए। और इसके ऊपर एक लेयर हम डाल देंगे ग्राउंड नट्स के, जो कि क्रंची इफेक्ट देगा। और इसे भी अब हम प्रेस कर देंगे। एकदम परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा खूबसूरत करने के लिए ऊपर से थोड़ी धनिया पत्ती भी डाल के प्रेस कर देंगे। तो आपका नीचे है किनवा, उसके ऊपर है कोकोनट, उसके ऊपर है क्रंची ग्राउंडनट्स और फिर हरी धनिया पत्ती। ये देखिए कितना खूबसूरत स्क्वायर निकला है। आपके पास ये मोल्ड नहीं हो तो अपने पास कोई भी मोल्ड सा बना सकते हैं। आप इसे राउंड कटोरी में भी बना सकते हैं। और ये देखिए एकदम यूनिक वे है प्रेजेंटेशन का। थोड़े बहुत आप ग्राउंडनट्स दे दीजिए इधर उधर, और ये यूनिक वे जो है इससे आपके जो रेसिपी आपने बनाई है, जो आपने डिश बनाई, उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंटेशन जो है कुकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग होता है। दो दिनों बाद एकादशी, आप इसे जरूर बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।